जिलाधिकारी चंदौली के पद पे पदभार ग्रहण किया है और चंदौली जैसे कि सबको पता है कि सबसे एक तरह से दूर दराज का जिला है। हमारी जो प्राथमिकता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है चंदौली। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग की तरफ से उसमें जो हमें टारगेट्स मिलेंगे और जो हमारी डेल्टा रैंकिंग है उसे हम इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकें। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारा आखिरी व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं ज़िले में, तो हमारे आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, शिक्षा की हों या महिला कल्याण की हों, आखिरी पात्र व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाएँ। इसके अलावा जनपद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनको टाइम पे कंप्लीट करना और गुणवत्तापूर्वक तरीके से कंप्लीट कराना प्रायोरिटी रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण जो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक फोकस एरिया रहेगा कि पर्यटन के दृष्टि से चंदौली अभी टूरिस्ट मैप पे उतना नहीं आ पाया, हालांकि बनारस के पास है, फिर भी हम टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो एक बहुत मेजर प्रायोरिटी रहेगी कि हम पर्यटन के दृष्टिकोण यहाँ पे पर्यटन विकास कर पाएँ और टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएँ। मैडम, चंदौली जो है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो बॉर्डर के गांव हैं उनके लिए विशेष, जैसा कि पहले भी चल रहा था अभियान, उसी तरह से अभियान आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और सभी स्कीम्स का हम कोशिश करेंगे कि जनता को आने की ज़रूरत ना पड़े, हम जनता तक पहुँचे। सारी जितनी स्कीम्स हैं विशेष तौर पर फोकस एरियाज महिला कल्याण रहेगा हमारा। महिलाओं को सारी जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो चिकित्सा की हैं, चाहे वो पोषण की हैं, वो सारी स्कीम्स हम पहुंचाएं। शिक्षा के क्षेत्र में और साथ में जो भी हमारी बाकी योजनाएं भी रहेंगी, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं, वो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो व्यक्ति आ पाए या नहीं आ पाए, हम पहुंचे। तो जनता के द्वार हम पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, चंदौली किसानों का जिला है, इसका पहले इसके बाद जो ब्लैक राइस चावल है, किसानों को बिका हो नहीं गया है, किसान की जमीन आई बिका इस पर क्या फोकस रहेगा आपका ब्लैक राइस? मैं समझ सकती हूँ कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और कैसे मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी एरिया बन जाता है। तो उसमें भी जो भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उसको हम प्रॉपरली ठीक तरीके से मार्केट कर पाएँ, चाहे वो आज के नए प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अमेज़ॉन है या अन्य विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर हम कहीं पे एक मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश करें, तो उस पर भी एक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%।